हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक अजर्शन है, एक रीजन है, अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अजर्शन ये कहता है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर आर नॉट सेम। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि आप अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो मल्टीपल स्टेप्स में जाती है, एक मैकेनिज्म, सर्टेन मैकेनिज्म फॉलो करती है, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स होंगे, कुछ स्टेप्स स्लो होंगे, कुछ फास्ट होंगे, कुछ इक्विलिब्रियम में होंगे, कुछ फास्ट इक्विलिब्रियम में होंगे। सो जो उसमें स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसी स्टेप से हम मॉलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर को देखते हैं। तो उस स्टेप में ऑर्डर और मॉलिकुलैरिटी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सेम ना हो, ठीक है। सो जनरली वो सेम नहीं होते कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब रीजन कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन मे बी जीरो। ये तो ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का जीरो हो सकता है, मतलब कोई ऐसी रिएक्शन हो सकती है जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे, जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई ऑन द गोल्ड सरफेस। ये क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। सो दोनों ही ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, अजर्शन भी ट्रू है, बट रीजन अजर्शन को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।